फ्रेंड्स वेलकम अगेन। अभी हम लोग फिर से अब सेकेंड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकेंड लेक्चर, जिसमें फैट्स के बारे में बात करना है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें और आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है, मीनिंग जानना है इस चैप्टर का, तो आप फर्स्ट लेक्चर को पहले रेफर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, तत्काल चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ से फैट्स से। तो फैट्स क्या है? तो फैट्स आप लोग देख रहे हो, यहाँ फैट्स लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ रिजर्व एनर्जी। ठीक है, यानी एनर्जी रिजर्व के जैसे है, जैसे कि गाड़ी में भी, बाइक में भी रहता है ना, व्हीकल्स में रहता है रिजर्व, या हम लोग अपने घर में भी कुछ पैसे रिजर्व करके रखते हैं, इसी तरह से एनर्जी का रिजर्व फैट है। ठीक है, बैंक ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, जहाँ पे हम लोग एनर्जी बचा बचा के और जमा करके रखते हैं। चलिए इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं, ये तो हैवी हो गया, चलिए सिंपल वर्ड में समझते हैं क्या। तो ये और कुछ नहीं, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। आपको नहीं कंपोनेंट का मतलब पता है तो मैं फिर से एक बार बता दूँ, पार्ट ऑफ फूड। कंपोनेंट का सिंपल मतलब होता है पार्ट, और अच्छे से जानना है तो फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो फैट्स का क्या मतलब होता है? फैट्स भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, इसका काम क्या है? तो इसका भी काम एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो फिर कार्बोहाइड्रेट फैट में अंतर क्या हुआ? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है दोनों एनर्जी प्रोडक्शन का ही काम करता है। तो फिर फैट क्यों और कार्बोहाइड्रेट अलग अलग नाम क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उतना अमाउंट में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता है जितना फैट करता है, फैट कुछ ज़्यादा अमाउंट में ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसका एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टोर होता है जो हमको दूसरे इमरजेंसी टाइम पे काम भी आता है। तो चलिए फैट के बारे में देखते हैं कि क्या क्या है। और इसमें एक और अलग बात है कार्बोहाइड्रेट से, कि कार्बोहाइड्रेट इससे कम टाइम लगता है कार्बोहाइड्रेट को पचने में, फैट को पचने में लंबा टाइम लगता है। आप लोग सुने होंगे मीट वगैरह को पचने में 72 आवर्स लग जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को पचने में उतना टाइम नहीं चाहिए, 5 से 6 घंटे में पच जाता है। ठीक है, वो चाहे हमारा चावल हो, ठीक है, या रोटी हो, वो सब पच जाता है। लेकिन जो हमारा फैट है, अभी समझने वाला, जिसमें ऑयल आता है, घी आता है, बटर आता है, या मसल्स आते हैं, बहुत सारे मीट आते हैं, वो सब को पचने में लंबा टाइम लगता है। तो फैट, ये जैसे बोल रहे हैं कि फैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, ये भी एक फूड का एक सोर्स है, कंपोनेंट है। सोर्स बोले या कंपोनेंट बोले, मोर अप्रोप्रिएट होगा, कंपोनेंट ऑफ फूड है। ठीक है, ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, लेकिन लंबा टाइम लगाता है अपने इसके पचने में लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, बहुत सारे जानवर, जैसे कि आप देखे होंगे पोलर बियर के बारे में, थोड़ा हमारा पढ़े भी होंगे, पोलर बियर या सील या पेंगुइन, जो सब ठंडे एरिया में रहते हैं, उन पे एक चर्बी का परत होता है। ठीक है, फैट का एक लेयर होता है, तो वो स्टोर करते हैं फैट का अपने शरीर पे, जिससे क्या होता है कि उनका खाना, तो इमरजेंसी वक्त में वो खाना एनर्जी के रूप में तो काम देगा ही, उसके साथ साथ उनको गर्म रखने का भी काम करता है। जी हाँ, फैट इंसुलेटर है, आप नहीं जानते इंसुलेटर, समझ लिए, जो हीट को पास नहीं करने दे, उसको इंसुलेटर ऑफ हीट बोलते हैं। ठीक है, तो वार्म और क्या होता है, वार्म और हॉट रखने का काम करता है जानवरों को, अगर उनके शरीर पे फैट है तो। ठीक है, और आप लोग देखे होंगे मोटे मोटे जो होते हैं उनको थोड़ा कम ठंड लगती है, कारण यही रहता है कि उनके शरीर में फैट रहता है। ठीक है, जो कि पचने में, जो कि हमारे शरीर में से गर्मी को रिलीज नहीं होने देता, बाहर नहीं निकलने देता, और हम लोगों को ठंड नहीं लगती है। ठीक है, अब देखिए, फैट का सिर्फ यही यूज नहीं है कि हम लोग को एनर्जी दे, ज़्यादा एनर्जी दे, पर इसका यूज है किसी खाने का टेस्ट भी बढ़ाने में। जैसे हम लोग ऑयल लेते हैं या घी लेते हैं, और उससे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये सब वगैरह जब बनाते हैं तो हम लोग घी का इस्तेमाल करते हैं, सब्जी बनाने वक्त तेल का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है, या चिप्स बनाते वक्त तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, खाने का टेस्ट इन्हांस हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो फैट को का सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन में ही काम नहीं है, लेकिन टेस्ट भी बढ़ाता है हमारा। तो देखिए, सिंपल वर्ड में आप समझ गए, फैट भी एक कंपोनेंट ऑफ फूड है, जो कि हमको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, और क्या होता है, इसको डाइजेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, किस किस चीज़ में रहता है, हमारे ऑयल में, बटर में, घी में, ये सब है सोर्सेस ऑफ फैट। फैट कहाँ से मिलते हैं? इनके बारे में। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फैट छूने में कैसा होता है। ठीक है, तो फैट, देखिए, फैट का एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि फैट और जितने फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें ऑयल है, घी है, बटर है, चीज़ है, ये सब क्या होता है, ग्रीजी टू टच होता है। ग्रीजी मतलब चिपचिपा होता है, उसको छूने में वो ग्रीजी टू टच होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को अब एक है, जो हम लोग क्लासिक्स में है, वो है टेस्ट फॉर फैट। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में दो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पढ़े थे, पहला टेस्ट जो है वो हम लोग पढ़े थे स्टार्स के बारे में, दूसरा पढ़ते हैं शुगर के बारे में। अगर आप नहीं देखें, देख लीजिए, आयोडीन टेस्ट और बेंडिक टेस्ट कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर फैट, फैट के टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि फैट को कैसे चेक करें, तो इसका बहुत सिंपल टेस्ट है, वेरी सिंपल टेस्ट। क्या करना रहता है आपको, तो आपको सिंपली एक काम करना है कि आपको
एक पेपर लेना है, ठीक, पेपर ले लेंगे वही जिसपे हम लोग लिखते हैं, हिंदी का मैथ का कोई पेपर ले लीजिए, उस पेपर पे आपको क्या करना है, तो जो आप चेक करना चाहते हैं जिसमें फैट है कि नहीं उस पर आप अप्लाई कर दिए, जैसे मान लीजिए तेल लिए और घी लिए या घी लिए तो उसको उस पेपर पे थोड़ा सा अप्लाई कर दिए, लगा दिए, ठीक है। और पहला बात तो आप उसको टच करके भी पता कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रीजी मुला चिपचिपा होता है छीने में, छूने में चिपचिपा होता है, तो आप टच करके भी पता सकते हैं कि इसमें फैट है कि नहीं। पर दूसरा और अच्छा टेस्ट जो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी चीज़ होते हैं जो चिपचिपे तो होते हैं लेकिन वो फैट नहीं होते हैं, तो तब कैसे चेक करें, तो आपको काम करना है एक पेपर लेना है, पेपर पे आपको फैटी चीज़ अप्लाई कर देना है, मान लीजिए तेल या घी अप्लाई कर दिए, और उसके बाद उसको सूखने के लिए रख देना है, ठीक है, सूखने के लिए रख दिए, सूखने के लिए रख दिए, उसके थोड़ी देर के बाद आएंगे आप देखेंगे कि वो जो पेपर है वो ट्रांसलूसेंट बन गया है। ट्रांसलूसेंट किसको बोलते हैं वो समझते हैं हम लोग। आप इसको चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या ये ऐसा तो नहीं है कि सभी के साथ ट्रांसलूसेंट बन जाता है, इसको चेक करने के लिए आप एक पेपर पे पानी भी लगा सकते हैं, जिसे देखेंगे आप लोग कि पानी वाला तो सूख गया लेकिन तेल वाला सूखता नहीं है, ठीक है। पानी वाला पेपर जिस पेपर पे पानी लगाए थे वो तो सूख जाएगा लेकिन जिस पे घी लगाए थे या तेल लगाए थे वो नहीं सूखेगा, ठीक है। तो ये अप्लाई फैटी सब्सटेंस लाइक घी और ऑयल ऑन ए पेपर, ठीक है, एंड वाटर ऑन अदर। तो क्रॉस चेक के लिए भी यहाँ दिया हुआ है कि एक पे आप लोग घी अप्लाई कर ले या तेल अप्लाई कर ले, दूसरे पे क्या कर ले आप थोड़ा सा पानी अप्लाई कर ले और उनको सन में ड्राई कर ले, सूरज की रोशनी में ड्राई कर ले। अब पेपर जिस पे फैट फैटी चीज अप्लाई किया गया है, फैटी चीज लगाया हुआ जैसे ऑयल लगी, वो ग्रीजी लगता है, टच करने में भी ग्रीजी लगता है बाद में भी, और ट्रांसलूसेंट हो जाता है। ट्रांसलूसेंट नहीं समझते तो समझिए, देखिए हमारे आसपास तीन तरह की चीज़ें होती हैं लाइट के हिसाब से, मतलब लाइट उसे या तो पास कर जाती है पूरी तरह, जैसे कि आप लोग ग्लास को देखेंगे या एयर को देखते हैं, इसे क्या होता है लाइट पूरी तरह पास कर जाती है। कुछ ऐसे चीज भी होते हैं हमारे आसपास जिनसे लाइट थोड़ी ही मात्रा में पास करता है, ठीक है, उनको हम लोग जिसे पूरी तरह से पास कर देता है उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिनसे थोड़ा ही मात्रा में पास करता है पार्शियली, ठीक है, लाइट पास तो करता है लेकिन कैसे पास करता है पार्शियली, लाइट पासेस थ्रू द सब्सटेंस पार्शियली। तो उस सब्सटेंस को जिससे लाइट पार्शियली पास करे, मतलब पूरी तरह ने थोड़ा सा ही पास करे, तो उसको बोल देते हैं हम लोग ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस है। तो हमारा जो पेपर है वो वैसा ही हो जाएगा, उसे पूरी तरह से ना ही तो पूरा लाइट पास हो जाएगा और ना ही लाइट नहीं, ऐसा नहीं होगा कि लाइट जाए ही ना, कुछ ऐसे भी चीज़ हमारे ऐसा जिससे लाइट जाता ही नहीं है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए किसी भी चीज़ का, जैसे आप प्लास्टिक का ले लो, ठीक है, प्लास्टिक से लाइट नहीं जाता, लकड़ी का ले लो उससे लाइट नहीं पास होता है इधर उधर, तो उस चीज़ को ऑपेक बोलते हैं। तो लाइट की प्रॉपर्टी के हिसाब से तीन तरह की चीज़ें होती है, अगर आप यहाँ पे उतना जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसका हम लोग जब लाइट का लेक्चर लेंगे तो वहाँ हम लोग बात कर लेंगे ट्रांसलूसेंट पैक के बारे में। यहाँ आप समझ लीजिए सिंपली वो पेपर ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, मतलब उससे आप जब सूरज की रोशनी की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा लाइट पास होता दिखेगा। अब देखिए एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि जो हमारा घर में और भी चीज़ें होती है, जैसे डीजल होता है, ठीक है, वैक्स होता है, मोम होता है, ठीक है, किरोसिन ऑयल होता है, वो सब भी थोड़ा थोड़ा चिपचिपे होते हैं, कोई कोई तेल चिपचिपे होते हैं, ठीक है, और तेल को और जो पेपर पे अप्लाई करेंगे तो ट्रांसलूसेंट भी हो जाएंगे, मतलब उसे थोड़ा ही लाइट पास करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडिबल चीज़ है, वो फैट रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो फैटी वो खाने वाला सामान नहीं है। तो आप उसको ये नहीं चेक करने लगेंगे कि सर इसमें तो डीजल में, किरोसिन ऑयल में या वैक्स में भी ऐसा रिजल्ट आ रहा है, ट्रांसमिशन बन रहा है, तो क्या वो खाने वाला चीज़ है, नहीं वो खाने वाला चीज़ नहीं है, वो इडिबल आइटम नहीं है, उनमें फैट नहीं रहता है वो इडिबल वाला, ठीक है। अब अगर फैट प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया जाए तो भी क्या कोई परेशानी है, तो जी हाँ, कोई भी खाना जितना कंपोनेंट की अभी बात कर रहे हैं, तो अगर उनमें से आप थोड़ा भी या तो ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं तो परेशानी है। ज़्यादा खाएंगे तो आप लोग जानते हैं अंकल से फैट हो जाते हैं, और कम खाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए फैट से ही हमारा स्किन, हेयर, ये सब सब थोड़ा थोड़ा बना रहता है, ठीक है, तो इससे हमारा स्किन सब ड्राई हो जाएगा, ठीक है, वैसे प्रोटीन से बना होता है लेकिन इससे उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं वेटनेस मिलता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भींगा हुआ दिखता है अगर हमारे हमारे शरीर में प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट है, तो ड्राई स्किन हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, आई हमारा ड्राई ड्राई दिखेगा, ठीक है, और हम लोग बार बार भूख लगेगा हम लोगों को, क्योंकि ये तो रिजर्व की तरह काम करता है, फूड का रिजर्व का काम करता है, तो हमको अगर भूख लगता है तो ये उस भूख को, भूख क्यों लगता है, एनर्जी मिल प्राप्त करने के लिए, तो उस भूख को, उस एनर्जी प्राप्ति के लिए ये अपने आप को तोड़ के और एनर्जी दे देता है, लेकिन आप अगर फैट की कमी है तो आपको भूख लगेगा, ठीक है, और भी कुछ होता है जैसे हेयर लॉस हो सकता है, ठीक है, आप इसमें भी थोड़ा सा कमजोरी फील कर सकते हैं। तो ये सब था कि फैट के बारे में, पूरी फैट के बारे में, पूरा फैट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। धन्यवाद।